एबे आसंतु सीधासळख देखिबा मल्लिकार्जुन खड़गेंक प्रेस मीटर सीधा प्रसारण। कंधमाल देश में हल्दी उत्पादन में बहुत आगे है। यहाँ की हल्दी को जीआई टैग मिला, लेकिन बीजेपी ने हल्दी को एमएसपी नहीं दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो देना है वो नहीं दिया। आज भी किसान यहाँ परेशान है, अपनी फसल के लिए सही मार्केट नहीं मिलती। बीजेडी सरकार का वायदा था कि राज्य में सभी 314 ब्लॉकों में कोल्ड स्टोरेज सुविधा मिलेगी, लेकिन 20 साल बाद भी वो वायदा पूरा नहीं हुआ। कोल्ड स्टोरेज बनाने का वायदा किधर गया? कौन है भाई वो? नहीं, अब मीटिंग चल रही है, बीजेपी वाले यहां बोले तो कैसा? कल के दिन उनके मीटिंग में भी हम लोग ऐसा ही करना पड़ता। हाँ, दिस इज नॉट गुड। पुलिस कहां है? पुलिस जिंदा है क्या? नहीं है। हम लोग यहां मीटिंग कर रहे, नजदीक क्या है? तुम रिकॉर्ड लगाने को देते हैं? ये क्या पुलिस है? ऐसा मत करो, हमारा भी वक्त आएगा। वक्त के लिहाज से चलो, ये इलेक्शन है, किसका घर का नहीं है। 2005 में जब बीजेडी और बीजेपी सरकार बनी तो वायदा किया था हर ब्लॉक में 35% इरिगेशन फैसिलिटीज हम देंगे 2011 और 12 तक। 20 साल से ये वायदा अभी अधूरा है। केंद्र में प्रधानमंत्री जी वायदा करते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार में आय तो दोगुनी नहीं हुई, किसानों का कर्ज जरूर दोगुना हुआ है, खर्च दोगुना हुआ है, फर्टिलाइजर महंगा हुआ है, तेल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज इनके जमाने में महंगा हुआ है। फिर भी बोलते हैं मोदी जी आकर, उनके लोग आकर, हमने देश के लिए बहुत कुछ किया। कहीं दिख रहा क्या किया आपने? अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब थे, उन्होंने तो देश के लिए बहुत सी चीजें बनाई, बड़े बड़े कारखाने बनाए, पावर प्रोजेक्ट बनाए। आप क्या बनाए? आप सिर्फ झगड़ा लगाने का, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू आदिवासी, आदिवासी दूसरों से झगड़ा, ये है आपका प्रोग्रेस, ये है आपका देन लोगों के लिए। और सबसे ज्यादा मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हमारी गठबंधन सरकार आएगी, हम एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे। किसानों के लिए कर्ज माफ करेंगे। हमने यूपीए सरकार में 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया था, जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह थे। खेती को जीएसटी मुक्त कर देंगे, ट्रैक्टर को जीएसटी, फर्टिलाइजर पे जीएसटी, डीजल जो किसानों को होना
उस पे जीएसटी, हर चीज आज महंगी कर दिए है। किसानों के जगह अगर आप होते तो ये सब करते हैं? आपने अमीरों का कर्ज माफ किया, 16 लाख करोड़ अमीरों का कर्ज माफ किया, गरीबों का 10 पैसे भी माफ नहीं किया तुम। और बड़ी बड़ी बात करते हैं। इसीलिए तो हमारा कहना है, हम गरीबों के वोट है और बीजेपी और बीजेडी अमीरों के तरफ काम कर रहे हैं। आपको मालूम है इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? देश के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया, वो मर गई, लेकिन उन्होंने बोला, मेरा एक एक खून का खतरा इस देश को मजबूत बनाएगा। तुम्हारे पास क्या है? सबको, सबका खून ले रहे हैं, खींच रहे हैं आप, किसी को मदद नहीं कर रहे। फसल नुकसान का 30 दिन में हम भुगतान करेंगे और किसानों